तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एट द एंड ऑफ द सीजन कामाविंगा टोटली एक डिफरेंट प्लेयर लगा मेरे को, तो वही चीज अभी चुआमेनी को भी सिखानी पड़ेगी। ऑब्वियसली यार टैलेंट वाइज बहुत बड़ा प्लेयर है। पॉगबा की ये स्टेटमेंट है, ही इज नॉट अ चाइल्ड, ही इज अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। और डेफिनेटली यार वो दिखता है, वो उसके मेरे को रोल से दिखता है। मैं जैसे आपको बताता आया हूँ कि आई एम अ ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ चुआमेनी, काफी टाइम से उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे उसके उससे दिखता है वो एक लीडर वाला रोल दिखता है चुआमेनी से। आप ये बात देखो, आप इससे आपको पता लगेगा, इससे एक आइडिया लगेगा। बहुत यंग मिडफील्डर है, 22 साल का मिडफील्डर क्या होता है, खासकर फ्रांस जैसी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, इतने मतलब स्टार्स भरे हुए हैं इस टीम में। उस टीम में उसने एक डेफिनेट एक फिक्स स्पॉट बना लिया अपना, हर मैच में वो स्टार्ट करता है। चाहे वो अभी अभी वर्ल्ड कप भी आएगा, आप खुद देखना उसको हर मैच में, डिशाम्स हर मैच में उसको स्टार्ट करवाएगा। तो इतनी छोटी सी उम्र में अगर उसने वहां एक पोजीशन बना ली, तो उसको फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला रियाल मैड्रिड में भी अपनी जगह बनाने को। फाइनली द न्यू स्टार एट द बर्नबाउ, ओरेलियन चुआमेनी जॉइंस रियाल मैड्रिड ऑन अ 6 ईयर डील। तो फाइनली डन हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है, हियर वी गो हो चुका है, हर चीज मतलब डन हो चुकी है। सो चुआमेनी बिकम्स द फोर्थ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ रियाल मैड्रिड। फर्स्ट इज एडन हजार, जो अनफॉर्चुनेटली उतना कुछ अभी करके नहीं कर पाए हैं अकॉर्डिंग टू हिज प्राइस टैग। सेकेंड इज गैरेथ बेल, आर लेजेंड। थर्ड इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगेन आर लेजेंड। एंड फोर्थ अब ये बन जाता है अपना चुआमेनी, फोर्थ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ रियाल मैड्रिड। यार मेरे दिमाग में तो एक ही चीज चल रही है, नेक्स्ट सीजन रियाल मैड्रिड की जो मिडफील्ड होगी, मतलब प्लेइंग किसको देंगे, कैसे होगा एडजस्ट, कैसे होंगे सब करेंगे हम, एंड सामने जो ओपोनेंट्स होंगे उनकी क्या हालत होने वाली है। अब मिडफील्ड देखो, टोनी क्रूस, कैसेमिरो, मॉड्रिच, उसके साथ वालवर्दे, कामाविंगा एंड चुआमेनी, एक्सपीरियंस तो है ही, उसके साथ यंग लेग्स भी हैं, यंग प्लेयर्स भी हैं, मतलब कितना ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन होने वाला है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये तीनों प्लेयर्स, जो यंग यंग प्लेयर्स हैं हमारे पास मिडफील्ड में, वर्ल्ड के बेस्ट मिडफील्डर्स आगे जाके बन सकते हैं, इतना ज्यादा पोटेंशियल है इन तीनों पर। लेजेंडरी केसीएम उनके साथ, जो बेस्ट तीन मिडफील्डर्स उनको चाहिए थे अपने रियाल मैड्रिड में, वो तीनों के तीनों हमें मिल चुके हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाला है नेक्स्ट सीजन रियाल मैड्रिड, बहुत ज्यादा बहुत तंग करने वाली है अपने ओपोनेंट्स को। मिडफील्ड से तो खा ही जाएगी यार, एक्सपीरियंस भी है, यंग प्लेयर्स भी हैं, स्ट्रेंथ इंटेंसिटी वर्क रेट यंग प्लेयर्स दे रहे हैं, एक्सपीरियंस तो आपने देख ही लिया इस सीजन, एक्सपीरियंस से हमने क्या क्या उखाड़ लिया है। बस यही बात समझ नहीं आ रही है कि कार्लो एंसेलोटी कैसे मैनेज करने वाला, छः छः इतने बड़े बड़े मिडफील्डर्स को एक सीजन में कैसे उतारेगा, कैसे वो मैनेज करेगा, क्योंकि मेरा तो यही सोच के हेडेक हो रहा। तो उसको तो प्रैक्टिकली वो चीज़ करनी है कार्लो को। चलो अच्छा, ये यार ये हेडेक होना भी चाहिए रियाल मैड्रिड के पास, क्योंकि हम काफी टाइम से, काफी ज्यादा टाइम से हम लेजेंडरी केसीएम पे डिपेंडेंट थे, तो अब ये हेडेक आ रहा है। अच्छा हेडेक है, अच्छी बात है, अच्छा है फॉर आर टीम, अच्छा है फॉर आर फ्यूचर। बट एक बात तो यार मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर है, जितना हमने वालवर्दे को, मतलब जिस तरह हमने वालवर्दे को इस सीजन यूज किया है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीजन एक स्पॉट तो वो खा जाएगा मिडफील्ड में, और डिजर्विंगली खाएगा, क्योंकि अब वो डिजर्व करता। कितने टाइम से हमने उस बंदे को बेंच पे रखा था, कितने टाइम से, मतलब हमें ऐसा फील होता था कि इसको अब एक रेगुलर स्टार्टिंग मतलब 11 में क्यों नहीं उतारते। बट जिस तरह कार्लो ने उसको इस सीजन 21-22 में यूज किया है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीजन इसका एक स्पॉट इसका एक फिक्स होने वाला है वालवर्दे का। कामाविंगा और चुआमेनी की अभी बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि यार वालवर्दे ने जो बेंच पे बैठ के वो ऐसे मक्खियां नहीं मारी है, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है हमारे लेजेंडरी केसीएम से, और यही जो इसने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो दोनों इन दोनों को भी जरूरत है। टैलेंट वाइज कोई कमी नहीं है वालवर्दे, कामाविंग और चुआमेनी में, बट जो वालवर्दे ने जो गेन कर लिया ना, वो इनको गेन करने की जरूरत है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो कामाविंगा स्टार्टिंग में आया था इस सीजन के, टैलेंट वाइज अगेन यार उसका दिख रहा था, वो उसका एक हंगरनेस हंगरी दिख रहा था, वो कैसे टैकल्स दे रहा था, सब कुछ कर रहा था वो, बट वो फिर भी स्टिल उसका एक इनएक्सपीरियंस साइड दिख रही थी, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं लग रहा था, एक्सपीरियंस में थोड़ा सा मतलब कच्चा लग रहा था। मुझे याद है एक दो बार उसको जब स्टार्टिंग भी हमने दी थी, कार्लो ने स्टार्टिंग दी थी, वो गेम मैं भूल चुका हूँ, एक दो गेम, दो तीन बार मैंने ऐसे नोटिस किया था स्टार्टिंग में कामाविंगा का, मतलब येलो कार्ड होने के बाद भी वो स्लाइडिंग टैकल देने के लिए, मतलब जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ, ऐसा होता है ना यंग टैलेंट्स में, यंग प्लेयर्स में ऐसा होता है कि मेरे को प्रूव करना है, मेरे को ऐसे कोच की नजरों में रहना है, तो उसमें वो थोड़ा सा मतलब जोश में तो होता है ना, होश खो देते हैं, तो वो साइड दिखती थी कामाविंगा की। बट जैसे जैसे एंड आता गया सीजन का, वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट मतलब प्लेयर लगा मेरे को कामाविंगा, काफी चेंज हुआ। और वो मैं ये नहीं बोल रहा कि कोच ने चेंज किया है, मतलब ऑब्वियसली कोच का, कार्लो का हाथ तो होगा यार, क्यों नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, बट स्टिल केसीएम का जो हाथ होगा वो उतना बड़ा हाथ किसी का नहीं हो सकता।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एट द एंड ऑफ द सीजन कामाविंगा टोटली एक डिफरेंट प्लेयर लगा मेरे को, तो वही चीज अभी चुआमेनी को भी सिखानी पड़ेगी। ऑब्वियसली यार टैलेंट वाइज बहुत बड़ा प्लेयर है। पॉगबा की ये स्टेटमेंट है, ही इज नॉट अ चाइल्ड, ही इज अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। और डेफिनेटली यार वो दिखता है, वो उसके मेरे को रोल से दिखता है। मैं जैसे आपको बताता आया हूँ कि आई एम अ ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ चुआमेनी, काफी टाइम्स उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे उसके उससे दिखता है वो एक लीडर वाला रोल दिखता है चुआमेनी से। और मैंने मतलब ऐसी रिपोर्ट्स भी पढ़ी है, वो मतलब ही इज अ एनबीए फैन, मतलब बास्केटबॉल में वो प्रॉपर मतलब उस जो उसका एक स्ट्रेटेजीज होती है ना बास्केटबॉल की, उस टाइप की वो स्ट्रेटेजीज अपनाता है। मतलब यार बास्केटबॉल में ना प्रॉपर आपको एनालाइज करते हो एक एक चीज को, एक एक मूवमेंट को, क्या कमी हो रही है, एक एक चीज एनालाइज करते हो बेसिकली अपने बारे में। तो मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से मैंने जो पढ़ा था चुआमेनी के बारे में, उसमें ये था कि चुआमेनी मतलब हर दिन सीखता है, उसको अपने से सीखना है कि क्या कमी रह गई है मेरे में, और क्या सीखना है, और क्या बेटर, मतलब कैसे मैं अपने आपको बेटर कर सकता हूँ डे बाय डे। और यार ये चीज दिख भी रही है, बहुत क्लियरली दिख रही है। चुआमेनी जो प्लेयर था एक आध साल पहले, अब बहुत ज्यादा चेंज कर लिया उसने, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंजेस कर लिए उसने। ऑफेंसिव वाइज वो काफी ज्यादा बेटर हो चुका है, मतलब बहुत चेंजेस वो करता रहता है, अपने अपने आप पे वो काम करता रहता है। आप ये बात देखो, आप इससे आपको पता लगेगा, इससे एक आइडिया लगेगा। बहुत यंग मिडफील्डर है, 22 साल का मिडफील्डर क्या होता है, खासकर फ्रांस जैसी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, इतने मतलब स्टार्स भरे हुए हैं इस टीम में, उस टीम में उसने एक डेफिनेट एक फिक्स स्पॉट बना लिया अपना। हर मैच में वो स्टार्ट करता है, चाहे वो अभी अभी वर्ल्ड कप भी आएगा, आप खुद देखना उसको हर मैच में, डिशाम्स हर मैच में उसको स्टार्ट करवाएगा। तो इतनी छोटी सी उम्र में अगर उसने वहां एक पोजीशन बना ली, तो उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला रियाल मैड्रिड में भी अपनी जगह बनाने को। सो अब बात आती है यार, काफी लोगों को ये एक प्रॉब्लम है कि बहुत एक्सपेंसिव साइनिंग है। यार मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक्सपेंसिव साइनिंग नहीं है, क्योंकि जैसे यार फुटबॉल चेंज होता जा रहा है, ट्रांसफर मार्केट में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आप ये देखो, अगर हम चुआमेनी को इतने में नहीं खरीदते यार, इतने में अगर हम नहीं उसको लेते यार, कोई और ले जाता, क्योंकि यार अब फुटबॉल इसी तरह काम करता, तो हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। आप मतलब डेफिनेटली एक पॉइंट है, रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में इतना कोई एक्सपेंसिव साइनिंग नहीं हुई है मिडफील्ड में, बट यार अब चेंज करना पड़ेगा, वरना कोई और क्लब उठा लेगा। पीएसजी जैसे क्लब आएंगे, इवन लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मतलब जैसे क्लब्स उठा लेंगे यार। सो इनिशियली 80 मिलियन की बात हुई थी, और 80 मिलियन पे मेरे ख्याल से सारा डन हो जाना चाहिए था, बट यार अगेन ड्यू टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम पीएसजी, लिवरपूल भी लगी हुई थी, मतलब लिवरपूल ने तो जल्दी हाथ हटा लिया था, बट स्टिल पीएसजी की वजह से, अगर हम इतना पैसा नहीं डालते यार, क्या पता, यू नेवर नो, पीएसजी चला जाता हमारा चुआमेनी। सो नुकसान तो अल्टीमेटली यार रियाल मैड्रिड को ही होता, इतना एक टैलेंटेड मिडफील्डर, मतलब एज अ ट्रियो में जो देख रहा हूँ आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, वालवर्दे, कामाविंगा और इनके थ्रू, चुआमेनी के थ्रू। सो यार तारीफ करना डेफिनेटली बनती है, बिल्कुल बनती है, पेरेस की भी, जिस तरह वो काम कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, मतलब वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहा है सारा। आप देखो कितना ज्यादा मिडफील्ड बना दिया उसने, मतलब बिफोर दिस सीजन, मतलब इससे भी पहले नहीं, कामाविंगा से पहले, जस्ट एक साल पहले, हम सोच भी नहीं रहते हमारी मिडफील्ड आगे जाके क्या होने वाली है। और विदिन एक साल, 1.5 साल के अंदर आप देखो पूरा मतलब रेडी हो चुके हैं, हमारी एक मिड ट्रियो अगेन एक रेडी हो चुकी है आफ्टर केसीएम, बस एक एक्सपीरियंस देना उनको, और दैट्स इट। टैलेंट वाइज तो कोई कमी नहीं है। सो पेरेस की मैं बात कर रहा था, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मैनी रिपोर्ट्स, बहुत सारी ये रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि पेरेस का जो ओरिजिनल प्लान प्लान है वो ये है कि एक उसको डिफेंस में साइनिंग करनी थी, एक मिडफील्ड में करनी थी, और एक अटैक में। सो डिफेंस की साइनिंग तो यार कंप्लीट हो चुकी है, मिडफील्ड की साइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, रूडिगर एंड चुआमेनी जैसे प्लेयर्स हमारे टीम में रियाल मेड में नेक्स्ट सीजन खेलते हुए दिखेंगे, पता नहीं क्या ही मजा आएगा उनको रियाल मेड की शर्ट में देखना, एज अ रियाल मेड फैन बहुत बड़ा मतलब मजा आने वाला है। सो अब बात आती है रिपोर्ट्स के हिसाब से अटैक में भी एक साइनिंग होने वाली है, फिर होगी आगे जाके। स्पेशली आपने अगर आपने नोटिस किया होगा, असेंसियो की बात शुरू हो चुकी है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मेरे ख्याल से पेरेस का ये दो काम तो पेरेस ने कर दिए हैं, डिफेंस और मिड में। पेरेस के मेरे ख्याल से एक और काम बचता है, दो और काम बचते हैं मेरे ख्याल से इस सीजन, अगर ये दो काम अगर पेरेस कर दे, मेरे ख्याल से कंप्लीट है सीजन, मतलब कंप्लीट है हमारी ट्रांसफर विंडो में, और कुछ चाहिए भी नहीं था। एम्बाप्पे का भी यार वो एक इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर पेरेस ये दो काम और कर दे। स्पेशली मैं एक रियल मैड्रिड फैन की तरह बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एसेंसियो नहीं देखना नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड में, मेरे को एसेंसियो नहीं देखना है, बहुत ज्यादा चांस उसको दे दिया, काफी ज्यादा टाइम से वो रियल मैड्रिड के साथ है। डेफिनेटली यार एसेंसियो के कुछ मोमेंट्स हैं, काफी अच्छे मोमेंट्स हैं, स्पेशली उसकी शूटिंग वाले अगेंस्ट बार्सिलोना, वो मुझे याद रहते हैं उसके गोल्स अगेंस्ट स्टेगन, काफी ज्यादा मतलब आउट ऑफ नो वेयर उसने गोल्स निकाले हैं, बट यार मैं नहीं देखता एसेंसियो को एज अ विंगर,
रियल मैड्रिड में बिल्कुल नहीं देखता, वो क्वालिटी मेरे को नहीं लगती है असेंसियो की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पेरेस को दो और काम कर रहे हैं और ट्रांसफर विंडो डन है अपनी। पहला काम है असेंसियो को सेल करे, लोन नहीं करे यार, लोन वाली गलती ना करे, सेल करे बेटर ऑप्शन है। एंड सेकेंड जो उसका काम होना चाहिए, दैट इज एक राइट विंगर जल्दी से जल्दी, मतलब जैसे ही, मतलब पहले ही क्लियर हो जाए असेंसियो अगर सेल हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर फायदा नहीं है एक और राइट विंगर लाने का, क्योंकि रॉड्रिगो भी हमारे पास है। तो अगर पहला, अगर ये काम हो जाता है, असेंसियो को निकाल देते हैं, सेल कर देते हैं, उसके बाद एक राइट विंगर हम लाना चाहिए पेरेस को, तो काफी अच्छा अटैक हो जाएगा यार हमको, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी विनीशियस बेंजिमा। और जिस तरह एक राइट विंगर अच्छा मैं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से गनाबरी वाली एक सिचुएशन बन सकती है, मतलब कोई भी एक राइट विंगर हो, मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अच्छा क्वालिटी वाला राइट विंगर हो। और उसके साथ हमारे पास रॉड्रिगो तो है ही है, उसको हम एक्सपीरियंस काफी दे चुके हैं सीजन में भी। सो यार रियल मैड्रिड का अटैक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विनीशियस, विनीशियस की तो क्या ही बात करो, विनीशियस है, बेंजिमा है, रॉड्रिगो दोनों विंग्स पे खेल सकता है, एज अ सब भी यूज कर सकते हो आप, जब किसी मेन प्लेयर को रेस्ट देना हो आप उसको एज अ स्टार्टर भी यूज कर सकते हो, उस टाइप का वो बन चुका है, उस क्वालिटी वो वाली क्वालिटी वो बन चुकी है। बस एक राइट विंगर लाना है और एक मेरे ख्याल से एक बैकअप स्ट्राइकर, एक बैकअप स्ट्राइकर कोई भी, क्योंकि हमारे पास मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होने वाला, ये जॉबिक और मरियानो दोनों ही इसी समर लीव करने वाले हैं, तो यार एक बैकअप स्ट्राइकर तो बनता ही है। सो यार नेक्स्ट सीजन का तो अब वेट नहीं हो रहा है, इस तरह की क्वालिटी अब रियल मैड्रिड बनती जा रही है, मजा आएगा देखने में नेक्स्ट सीजन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।